अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ग्लो गाइज इनसाइट्स, जहां हम ब्लेंड करते हैं स्किन केयर सीक्रेट्स और लाइफस्टाइल टिप्स फॉर योर अल्टीमेट ग्लो. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सनब्लॉक एंड इट्स रोल इन स्किन हेल्थ. सनस्क्रीन हमारी स्किन हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये हमारी स्किन केयर रूटीन का सबसे अहम पार्ट है. अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते तो आप अपनी स्किन पे कुछ भी अप्लाई कर लो, आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी. सनस्क्रीन आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, जो कि स्किन कैंसर, हाइपरपिगमेंटेशन, सन बर्न, सन टैन, प्रीमेच्योर एजिंग, अनइवन स्किन टोन, स्किन डिस्कलरेशन, स्किन एलर्जी, स्किन सेंसिटिविटी और भी बहुत सी प्रॉब्लम की वजह बनता है. लिहाजा सनस्क्रीन का इस्तेमाल यकीनी बनाएं. सनस्क्रीन चूज़ करते हुए इन पॉइंट्स का ख्याल ज़रूर रखें. सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्किन टाइप. आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही सनस्क्रीन को चूज़ करना है. उसके बाद है लाइफस्टाइल. आपका लाइफस्टाइल क्या है? क्या आप ज़्यादा टाइम इंडोर गुजारते हो या आउटडोर गुजारते हो? इंडोर के लिए SPF 30 या 30 प्लस भी इनफ है, बट अगर आपका ज़्यादा टाइम आउटडोर स्पेंड होता है तो फिर आपको SPF 50 या 50 प्लस यूज़ करना चाहिए. अगर आप इंडोर हैं तो भी आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी है. ये मिसकंसेप्शन है कि सनस्क्रीन आप सिर्फ बाहर निकलते हुए ही यूज़ करते हैं. सनस्क्रीन चूज़ करते हुए आपको अपने एरिया को भी जहन में रखना चाहिए. लाइक अगर आप ड्राई वेदर में हैं तो फिर आप ऐसी सनस्क्रीन चूज़ करेंगे जिससे आपको हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन मिले. इसके अलावा आपको SPF लेवल चूज़ करते हुए वेदर को भी माइंड में रखना चाहिए. अगर तो विंटर्स हैं तो ज़्यादा धूप निकलेगी नहीं, तो आप लो लेवल ऑफ SPF यूज़ करेंगे. बट अगर समर है और धूप बहुत तेज़ है तो फिर आप हाई लेवल ऑफ SPF यूज़ करेंगे. उसके अलावा आपको स्किन टोन को भी माइंड में रखना चाहिए. अगर आप मिनरल सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो उसमें वाइट कास्ट होता है, जो कि डार्क स्किन टोन पे थोड़ा ऑड लगता है. मिनरल और केमिकल सनस्क्रीन में क्या फ़र्क होता है? मिनरल सनस्क्रीन को हम फिजिकल या इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन भी कहते हैं. मिनरल सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड होता है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से यूवी रेज रिफ्लेक्ट होकर स्किन से दूर चली जाती हैं और ये इमीडिएटली वर्क करना स्टार्ट कर देता है आफ्टर एप्लीकेशन. ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर वाइट कास्ट होता है, जिसकी वजह से स्किन वाइटिश लगना स्टार्ट हो जाती है. केमिकल सनस्क्रीन को हम ऑर्गेनिक सनस्क्रीन भी कहते हैं. इसमें केमिकल कंपाउंड सच एज ऑक्सीबेंजोन मौजूद होता है, जो कि यूवी रेज को स्किन के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है. बट इसको स्किन पे इफेक्टिव होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर टू मिनरल सनस्क्रीन. इसमें वाइट कास्ट मौजूद नहीं होता, इसलिए ये स्किन पे ट्रांसपेरेंट और बहुत ही लाइट वेट लगता है. तो अब डिस्कस करते हैं बेस्ट सूटेबल सनस्क्रीन फॉर योर स्किन टाइप. सबसे पहले देखते हैं एक्नी स्किन के लिए कौन सी सनस्क्रीन बेस्ट है. सनस्क्रीन वैसे तो आपकी स्किन की बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन अगर आपकी स्किन पे एक्नी है तो ये आपके फेस पे जलन और इरिटेशन भी कभी मजीद एक्नी की भी वजह बन सकती है. लिहाजा अपनी सनस्क्रीन चूज़ करने से पहले इसके इंग्रेडिएंट ज़रूर देख लिया करें, बल्कि अपनी सारी स्किन प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट ज़रूर चेक किया करें. एक्नी स्किन के लिए आपको ऑक्सीबेंजोन, बेंजोल परऑक्साइड और सैलिसिलिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने चाहिए. माय स्किन इज ऑयली एंड एक्नी प्रोन, सो आई विल शेयर विथ यू माय पर्सनल ट्राइड एंड टेस्टेड सनस्क्रीन्स. इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल रिवील कौन सा सनस्क्रीन मेरा फेवरेट है और क्यों मैंने इसको चूज़ किया है अमंग सो मेनी ऑप्शंस. एक्नी स्किन के लिए आपको एक और चीज़ का ख्याल रखना है. सनस्क्रीन के ऊपर मेंशन होता है इट वॉन्ट क्लॉग पोर्स. आपको हमेशा वो सनस्क्रीन चूज़ करनी है जिसके ऊपर मेंशन हो इट वॉन्ट क्लॉग पोर्स. अगर सनस्क्रीन आपके पोर्स को क्लॉग कर देगी तो वो मजीद एक्नी, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का रीज़न बनती है. सो योर सनस्क्रीन शुड नॉट क्लॉग पोर्स. नंबर वन इज़ न्यूट्रोजीना क्लियर फेस. ये ब्रेकआउट फ्री है और ऑयल फ्री है. इसका मतलब है कि ये आपके फेस पे एक्नी कॉज नहीं करता और मजीद एक्नी को बढ़ने से भी रोकता है. प्लस दे आल्सो क्लेम डैट इट वॉन्ट क्लॉग योर पोर्स. उसके साथ साथ इसका बेनिफिट ये है कि ये वाटर रेजिस्टेंस है. डैट मीन्स अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो भी ये 80 मिनट तक आपके फेस पे सर्वाइव करेगा. और उसके साथ साथ यू कैन आल्सो स्विम विद अप्लाइंग न्यूट्रोजीना क्लियर फेस सनस्क्रीन. बट ये मिनरल सनस्क्रीन है और पर्सनली मैं इसको यूज़ करके इतना सेटिस्फाई नहीं हुई थी, क्योंकि आफ्टर 2 आवर्स ये आपके फेस को ऑयली कर देता है और ये मुझे अपने फेस पे थोड़ा हैवी भी लगता था. बट इफ़ योर स्किन इज नॉट टू मच ऑयली देन इट्स वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. इसके 2 प्लस पॉइंट्स ये हैं कि एक तो ये पॉकेट फ्रेंडली है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और दूसरा ये पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है. आपको किसी भी बड़े स्टोर पे या किसी अच्छी फार्मेसी पे इजीली मिल जाएगा. नंबर 2 इज लारोश पोजे एंथीलियोस क्लियर स्किन सनस्क्रीन. इट आल्सो वॉन्ट कॉज ब्रेकआउट टू योर स्किन एंड इट आल्सो ऑयल फ्री. और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 60 के साथ आता है, सो इट्स वेरी आइडियल फॉर समर स्किन एंड इट आल्सो वॉन्ट क्लॉग योर पोर्स.
नंबर थर्ड, सनस्क्रीन इज़ फ्रॉम डिफरेंट. ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखते हुए एक्सेस ऑयल को अब्सॉर्ब कर लेता है. इट वॉन्ट क्लॉग योर पोर्स और ये बहुत ही लाइट वेट है और नॉन ग्रीसी है. फेस पे बहुत ही लाइट और सप्पल लगता है. नेक्स्ट इज अ पाकिस्तानी ब्रांड जेन फार्म्स स्पेक्ट्रा मैट सनब्लॉक. ये SPF 40 के साथ आता है. ये एक्नी और ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. ये सीबम कंट्रोल करता है जो मजीद एक्नी कॉज करते हैं. इसके अलावा ये कमोडोजेनिक फ्री है, डेट मीन्स इट वॉन्ट क्लॉग योर पोर्स. इट्स वाटर रेजिस्टेंट एंड फ्रेग्रेंस फ्री एज वेल. ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली है और इजीली अवेलेबल है एट एनी फार्मेसी. नंबर वन इज लारोज पोजे एंथीलियस लाइट फ्लूइड सनस्क्रीन. ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अमेजिंग सनस्क्रीन है. नंबर टू इज न्यूट्रोजिना सेंसिटिव स्किन सनस्क्रीन विच कम्स विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 60. इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर सेंसिटिव स्किन. ड्राई स्किन के लिए आप कोई भी अच्छा मिनरल सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, बट इट शुड हैव जिंक ऑक्साइड इन इट. न्यूट्रोजिना अल्ट्रा शीर इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ड्राई स्किन. जितने भी प्रोडक्ट्स अभी मैंने आपको रिकमेंड किए हैं ये सब पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हैं, बट आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप किसी अथेंटिक पर्सन या अथेंटिक स्टोर से ही बाय करें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से फेक प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू रीअप्लाई योर सनस्क्रीन. अगर आप घर पे ही हैं और बाहर नहीं जा रहे हैं तो एटलीस्ट दिन में 2 दफा जरूर सनस्क्रीन को अप्लाई करें. बट अगर आप आउटडोर हैं तो आफ्टर एवरी 2 आवर यू शुड रीअप्लाई योर सनस्क्रीन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप अ कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. My personal favorite is La Roche-Posay Anthelios Clear Skin Sunscreen. If you want a complete review, drop a message below. I hope you like my video. So love yourself because glow is inside you.